नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन 9 और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं अभी की ताज़ा खबरों की ओर। इंदौर के एमजी रोड थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार कर पदोन्नति लेने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को जिला न्यायालय में पेश कर पुलिस द्वारा पूछताछ सहित अन्य जांच के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें कि नगरीय विकास प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को फर्जी दस्तावेज बनाकर पदोन्नति लेने के मामले में एमजी रोड थाने पर प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर 2 दिन पहले पुलिस ने देर रात उन्हें गिरफ्तार भी किया और रविवार दोपहर को सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार पाटीदार की कोर्ट में पेश किया गया, जहां आईएएस अधिकारी के वकील व शासकीय वकील में काफी तर्क वितर्क रखे गए और पुलिस द्वारा अन्य दस्तावेज तथा पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड मांगी गई, जिसमें न्यायालय ने पुलिस को 2 दिवसीय रिमांड पर आईएएस अधिकारी को सौंप दिया है, ताकि पुलिस अन्य दस्तावेज और बाकी की जांच पूर्ण कर सके। इसी के साथ आईएएस अधिकारी होने के चलते पूरे मामले की जांच सीएसपी द्वारा की जा रही है। आईएएस अधिकारी को एमजी रोड पुलिस द्वारा दोबारा से 14 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर उसमें कार्रवाई की गई है और उसमें पुलिस संबंधित, चूंकि दस्तावेज पर आधारित मामला है तो पुलिस उसमें दस्तावेजों के बारे में जानकारी ले रही है। सर, क्या मामला था ये? इस तरह का एक फर्जी पत्र बनाया गया। ये मुख्य तौर पर पदोन्नति से जुड़ा मामला था, जिसमें एक पदोन्नति से जुड़े पत्र के बारे में माननीय न्यायालय ने इंकार किया कि ये पत्र ऐसा कोई जारी नहीं हुआ है, इसी को लेकर के संबंध में कार्रवाई की। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा आईबीएन 9 के साथ। आप देखते रहिए आईबीएन 9।